ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के बीच आज आईपीएल 2022 का दूसरा मैच मुंबई में खेला जाना है, जो कि 3:30 से शुरू होगा। आईपीएल 2022 का आज पहला डबल हेडर खेला जाएगा। फैंस का बेसब्री से इंतजार है। वहीं डीसीएमआई के अलावा फैंस का पंजाब और आरसीबी भी मनोरंजन करती दिखाई देगी। बात दिल्ली कैपिटल्स की करें तो पिछले 2 साल इस टीम के लिए लाजवाब रहे। आईपीएल 2020 की फाइनलिस्ट दिल्ली पिछले सीजन में प्लेऑफ तक का सफर तय करने में कामयाब रही। पंत की अगुवाई में इस टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई के लिए पिछला साल अच्छा नहीं था। 2020 में मुंबई में खिताब जीतने में कामयाब थी, मगर पिछले साल उसका सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया। आईपीएल मेगा ऑक्शन की वजह से इस साल दोनों टीमें थोड़ा बदली बदली नजर आएगी। बात दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड मुकाबलों की करें तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच 30 मुकाबले खेले, जिनमें 16 मुंबई तो दिल्ली 14 मैचों में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इन आंकड़ों से साफ होता है कि दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आईपीएल 2021 में डीसी और एमआई के बीच 2 मैच खेले गए थे और दोनों ही बार दिल्ली जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं मुंबई ने आईपीएल 2020 में दिल्ली को 4 मैच से हराए थे। 2 लीग मैच के साथ एक प्लेऑफ और एक फाइनल मैच में मुंबई ने दिल्ली को हार का स्वाद चखाया था। वहीं मुंबई इंडियंस टीम की बात करें तो रोहित शर्मा सी, ईशान किशन डेब्यू, तिलक वर्मा, देवाल्ज, किरोन पोलार्ड, टीम डेविड, संजय यादव, टाइमल और जयदेव और मयंक जसप्रीत, अनमोल प्रीत, मुरुगन रीले, फैबियन बासिल, रमनदीप, डेनियल और आयरन, अर्जुन, ऋतिक, शौकीन, राहुल, अर्शद खान है। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए, पृथ्वी शॉ, टीम शिखर, भरत, ऋषभ पंत, रोबमैन, सरफराज खान, अक्षर, शार्दुल, खलील, कुलदीप, चेतन, मनदीप, कमलेश नागरकोटी, ललित यादव, अश्विनी, प्रदीप दुबे, रिपल पटेल, यश, विक्की।